का शौक है और बहुत सुंदर तरीके से वो अपने मन के भावों को सबके बीच में प्रस्तुत भी कर पाते हैं। हमारे कृष भाई इनोका यूट्यूब पर अपना चैनल भी है जिसका नाम है यंगेस्ट डेवलपर डायरीज। आपके लौकिक फादर धर्मेश भाई आए हुए, धर्मेश भाई भी बीच में सभा में बैठे हुए हैं। शिवरात्रि से ही धर्मेश भाई ने कोर्स किया। अभी आज भारत इस टॉपिक पर कृष भाई हम सबके बीच में अपने मन के भाव रखेंगे। ये वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कृष उपाध्याय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के प्राचीन काल से। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 17th सेंचुरी में धरती और सूर्य के बीच का अंतर पता चला, जो है 153 मिलियन किलोमीटर, जो हमारे तुलसीदास जी ने सारे विश्व को 15th सेंचुरी में बता दिया था हनुमान चालीसा की एक पंक्तियों द्वारा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। यहाँ जुग का अर्थ है 12,000 साल, सहस्त्र यानी 1,000 और योजन यानी 8,000। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 96 मिलियन माइल्स आता है, और जब माइल्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जैक्टली 153 मिलियन किलोमीटर आता है, जो नासा ने भी माना है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती लगाई। ये लाइन तो आप सभी ने सुनी होगी। इसका सही अर्थ है कि जब विश्व भर में 1 से 9 की खोज हुई, तब हमारे आर्यभट्टा जी ने जीरो को इन्वेंट करके ये अधूरी गणित को पूर्ण किया। 7th सेंचुरी में हमारे देश के ऋषि सुश्रुत ने 300 से भी ज्यादा सर्जरीज का इन्वेंशन किया, उन्हें इसीलिए फादर ऑफ ऑल सर्जरीज भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आप सबको पता है कि दशहरे और दिवाली के बीच में 20 दिनों का अंतर है। जब रावण का वध हुआ तब दशहरा मनाया गया, और जब राम जी अयोध्या लौटे तब दिवाली मनाई गई। अब ये 20 दिन का अंतर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि राम जी को लंका से अयोध्या पहुंचने में 20 दिन लगे थे। आज के दिन भी अगर आप गूगल मैप्स में जाके लंका टू अयोध्या वॉकिंग डिस्टेंस सर्च करेंगे तो 20 दिन ही बताएगा। अब अगर बात की जाए शिक्षा की, तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत के प्राचीन काल में ऐसी ही 3 यूनिवर्सिटीज थी जिनका नाम है तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जहां विश्व भर से बच्चे पढ़ने आते थे। और आज के दिन भी दुनिया की सबसे बड़ी मोंटेसरी स्कूल हमारे लखनऊ शहर में स्थित है, जहां 55,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे देश की भाषा का तो क्या कहना, अंग्रेजी जैसी पॉपुलर भाषा के भी ज्यादातर शब्द हमारे संस्कृत से आधारित है। जैसे संस्कृत का मात्रा अंग्रेजी में बना मदर, पात्र बना ब्रदर, और ज्योमेट्री बनी ज्योमेट्री। तो चलिए बात करते हैं खेल कूद की। क्रिकेट तो हम सबका फेवरेट खेल है ही, पर क्या आप जानते हैं अब तक के हुए तीनों लगातार कबड्डी के वर्ल्ड कप भारत के ही नाम है। सांप सीढ़ी और चेस जैसी हमारी प्रिय गेम्स भी भारत में ही इन्वेंट हुई। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। कई सारे युग आए और गए, पर कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं रहा कि हमारे भारत की वास्तविक संस्कृति को बदल सके। यही है महात्मा गांधी की भूमि और हमारे सपनों का भारत। जय हिंद, जय भारत। जोश लगा दिया